नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पायलट साल, आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली ये काउंसलिंग का आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मे बी ये इंड वीडियो होने वाला हो, क्योंकि ये वीडियो के बाद जो वीडियो आएंगे वो आपको बस ये बताया जाएगा कि अब कितने मार्क्स पे कट ऑफ की लिस्ट आने वाली है, क्योंकि सजेशन वीडियो ये शायद लास्ट हो जाए। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको पूरा एक प्रोसीजर समझाने वाला हूं कि कोर्स अलोकेशन कैसे अलोकेट करता है और आपको उसमें पेमेंट कैसे करना होता है और मल्टी कोर्स अलोकेशन जब होता है तब क्या करना होता है। ये तमाम बातें आपको बीएचयू पाठशाला के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो मैं चाहूंगा कि भाई अब अंत समय है तो आपका भी भला हो और बीएचयू पाठशाला को भी सब्सक्राइब कर लें, बीएचयू पाठशाला का भी भला हो, क्योंकि कंटिन्यूअस आपके लिए मदद के लिए तैयार रहा, कंटिन्यूअस हम लोग आपको वीडियोस देते रहे, जहां तक हो सका वहां तक उन्होंने मदद करें और आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। सो प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल मेरे सब्सक्राइबर, प्रेस दिस लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, एटलीस्ट 70 कर दो, प्लीज रिक्वेस्ट है, आप सभी से सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज रिक्वेस्ट है जरूर करना, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग एक लंबे समय से परेशानियों को झेलते हुए यहां तक पहुंचे हो, आपके पेपर में गड़बड़ियां, आपके फिर आंसर की में बहुत इधर उधर हुआ, रिजल्ट आने में प्रॉब्लम, नॉर्मलाइजेशन वाली प्रॉब्लम को लेके, फिर इधर रजिस्ट्रेशन फीस को लेके प्रॉब्लम, अब हो सकता है आगे ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये डैशबोर्ड तो हर कोई जानता ही होगा, आप तक जान चुका होगा, यहाँ से आपका प्रेफरेंस होता है, यहाँ से कोर्स अलोकेशन, हॉस्टल अलोकेशन, हॉस्टल अलोकेशन को अभी स्किप कर देते हैं, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द कोर्स अलोकेशन। जैसे आप कोर्स अलोकेशन पे क्लिक करते हो, अच्छा एक बार बैक करके एक चीज बता देता हूँ, आप लोग बार बार इसको लेके परेशान हो ना, कंप्लीट मेरा नहीं शो कर रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, अब इसको भूल जाओ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कोर्स अलोकेशन पे, कोर्स अलोकेशन पे ये जो चीजें हैं यहाँ पे आपका कोर्स अलोकेट करता है। इसको समझाने से पहले हम लोग आते हैं स्लाइड पे, ठीक है। स्लाइड ये कहता है कि फर्स्ट राउंड कट ऑफ जो है वो आपका कल शाम को आने की पूरी संभावना है, बाकी मैं आपको आफ्टरनून तक इन्फॉर्म कर दूंगा कि वो आएगा कि नहीं आएगा, यानी 24 आवर्स लेट होगा या सच में कल आ जाएगा, इसका अपडेट तो मैं कल आपको आफ्टरनून 1 PM तक दे दूंगा। सो प्लीज उसके लिए भी बेल आइकन प्रेस कर लेना चैनल का। फाइनली उसके बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये है कि जब कोर्स अलोकेशन आएगा, कोर्स अलोकेशन कहाँ आएगा, कोर्स अलोकेशन यहाँ आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे आएगा तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, कहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ पे जो लास्ट वाला है यहीं पे आपका देखिए पेमेंट डेडलाइन शो करेगा और यहीं पे आपका पेमेंट के लिए एक नया आइकन बन जाएगा। जैसे ही क्लिक करोगे आपके मल्टी वेज ओपन हो जाएंगे पेमेंट के, आप वहां से अपने UPI अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोग स्लाइड पे देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि आपको अकाउंट में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, यानी आप जिस भी कोर्स में जा रहे हो उस कोर्स की जो फीस है ध्यान देना। अच्छा वो माय गॉड, आपकी फीस बढ़ा दी गई है, जिसके लिए अगर आपको दर्द है कि सर हमसे इतना फीस क्यों लिया जा रहा है, तो आप लोग ट्विटर कंपनी के लिए तैयार रहना, उसमें भी बीएचयू पाठशाला आपकी पूरी मदद करेगा। यानी जब हम लोग पढ़ते थे आपको उससे ज्यादा पेमेंट करना है, ऐसा यहाँ पे एक नोटिस आया हुआ है कि 2022 से जो एडमिशन होंगे उसमें फीस एक्स्ट्रा लगेगा, तो आप उसके लिए ट्विटर पे मैं एक कंपेन चला दूंगा, लेकिन आप कहोगे तब, ठीक है। और यहाँ पे बता दूं कैंपस में ऑलरेडी बहुत सारे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं आपके फीस बढ़ने को लेके, सो प्लीज आप लोग को अगर लगे कि नहीं फीस आपके लिए बढ़ाया गया, दर्द भरा कहानी है, तो आप लोग बताना। फीस स्लिप जनरेट होता है जब आप पेमेंट करोगे, तो आपका फीस स्लिप जनरेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही फीस स्लिप आपको फिर BHU में आने के बाद लेकर आके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना होता है, और यही फीस स्लिप से आपके आईडेंटिटी कार्ड बनते हैं, आपका हेल्थ कार्ड बनता है, आपका स्विमिंग कार्ड बनता है, आपका जिम कार्ड बनता है, यानी BHU के जितने भी फैसिलिटीज हैं वो इसी फीस स्लिप पे आपका बनेगा। सो गाइज प्लीज जब भी आपका पेमेंट करोगे आपको ये स्लिप वहां जनरेट हो जाएगा, जस्ट अपने साइबर वाले से, क्योंकि आप बाहर से कराओगे हो सकता है, तो आप उससे बोलना कि भैया ये फीस स्लिप मिस नहीं होना चाहिए, आप डाउनलोड करवा लेना उससे, ठीक है। उस पर ट्रांजेक्शन आईडी दिया रहता है, ये तमाम चीजें बहुत अच्छे से वहां पे सीरियसली उसको ले लेना, नहीं बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको जो डेडलाइन दिया जाएगा, हर बार 24 घंटे दिया जाता था, इस बार 48 घंटे की उम्मीद है, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि आपको वो खुद यहां दिखेगा, हमेशा पेमेंट का डेडलाइन यहां लिखा हुआ शो करेगा कि आपको इस
डेट को इतने बजे से पहले पेमेंट करना है। तो आप हमारे 48 वाले घंटे को याद ना करके आप अपना खुद का चेक करेंगे कितने घंटे आपको वहां पे दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मल्टी कोर्स अलोकेशन मेथड क्या है। जैसे सपोज किसी बच्चे का कोर्स अलोकेट हुआ बीए के लिए, कैसे अलोकेट हुआ है बीए के लिए, यानी वो बीए में अपना काउंसलिंग कराया था और उसको वहां पे शो कर रहा है सीरियल नंबर 1 बीएचयू बीए आर्ट्स, फिर उसके बाद शो कर रहा है एफएमसी, फिर शो कर रहा है जनरल कोटा, फिर शो कर रहा है इतना पेमेंट और इतने डेट को करना है। लेकिन वो देख रहा है उसी के नीचे उसको बीएलएलबी भी शो कर रहा है क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे थे, उसने बीएलएलबी भी कराया था। तो ऐसे में आप जब बीए का पेमेंट कर दिए होगे, मान लो तीनों के पेमेंट एक साथ आ गए, तब तो आप अपने घर में 48 घंटे के टाइम में सोच के विचार के कोई एक का पेमेंट कर देना। लेकिन सपोज कि बीए का पहले आ जाता है, बीएलएलबी का बाद में आता है, बीकॉम का उससे बाद आता है, तो ऐसे में आप जो कोर्स मान लो बीए का किए हो, जैसे ही आप बीए वाला कर दिए आपका वहां पे हो जाता है लॉक स्टेटस शो करेगा अपग्रेड एंड लॉक स्टेटस। तो आप जब बीए का बीएलएलबी शो करेगा उस पर क्लिक करते ही आपका इसका अमाउंट जो है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन फीस जो है दोनों का अलग है भाई, यहाँ 4,000-3,000 फीस होगा, यहाँ कहाँ 60,000-70,000 फीस होगा, तो ये पेमेंट आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कोर्स कैंसिल हो जाएगा, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आप पहले कोर्स के दूसरे कोर्स में जाते हो पहला कोर्स ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, फिर वो नहीं मिलेगा आपको, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। उसके लिए एक नरी सूत कौन सा ही डायलॉग है वैसा लगेगा आपके लिए, मतलब आपको एड़ी से चोटी का शायद जोर लगाना पड़े, शायद जोर लगाने से ना भी मिले। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग मल्टी कोर्स में जा रहे हो तो श्योर कर लेना किसी एक ही कोर्स में पढ़ना, और ये डिसीजन बहुत जरूरी है जिससे बाकी बच्चों को मौका मिल सके। समझ में आया कि नहीं? आप जितनी जल्दी डिसीजन लोगे सेकेंड राउंड कट ऑफ में दूसरे बच्चों को मौका मिलेगा। ठीक है, बीएलएलबी हो गया, सपोज कि 2 दिन बाद उसको फिर बीकॉम का भी शो करने लगता है, तो जैसे ही बीकॉम पे क्लिक करेगा ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। ये बहुत ही सेंसिटिव काम है, इसमें गलती मत करना। होता क्या है, बच्चे आर्ट्स और सोशल में, रुको मैं नई स्लाइड जोड़ा हुआ, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। पहले वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि चलो ठीक है मुझे फिलॉसफी मिला है, हाँ, और फिर उन्हें PSY मिला है, साइकोलॉजी मिला है और हिंदी मिला है, सपोज कि इनको ये मिला है, और कुछ दिन बाद उनको सोशल में मिल गया ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, और यहां पे मिल गया पॉल। सपोज कि सोशल का पहले आया था, उन्होंने इसका पेमेंट कर दिया था, और आर्ट्स का आया, उन्हें क्या लग रहा है कि भाई ऐसा करते हैं दोनों का पेमेंट करके सेव कर लेते हैं, अब बाद में डिसाइड करेंगे किसमें हमें नाम लिखवाना है। तो भाई जैसे ही आप आर्ट पे क्लिक करोगे सोशल के बाद, आपका ये वाला कोर्स अपने आप कैंसिल हो जाएगा, यही बात दिमाग में रखना है। समझ लो मेरी बात में क्या बोला। प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल माई फ्रेंड्स माई डियर सब्सक्राइबर, थोड़ा सा मेरे पास आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अब मैं क्या बोला, मैं बोला कि इन दोनों में से सपोज कि दोनों एक साथ आ जाए तब तो आप आराम से डिसाइड कर लोगे भाई हमें आर्ट्स में जाना है, हम सोशल में जाएंगे, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट्स ही च्वाइसेज होंगे, और ये सब्जेक्ट्स फिक्स नहीं होते हैं, ये सब्जेक्ट्स अपग्रेड भी होते हैं। और एक जब सबसे ऐसा इस बात को कंप्लीट करूं नहीं भूल जाऊंगा, तो आर्ट और सोशल जब दोनों एक साथ आ जाए तो जस्ट डिसाइड कर लेना कि आर्ट्स में जाना है कि सोशल में जाना है। अगर आपका सोशल का पहले आया, सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, आप अपने प्रेफरेंस में देखो कि इस प्रेफरेंस के ऊपर कौन सा प्रेफरेंस है, क्योंकि वो प्रेफरेंस अभी आपको मिल सकता है, 100% मिल सकता है, तो ऐसे में आप सोशल का पेमेंट करके आर्ट्स के ऊपर फोकस भी मत करना। और जैसे ही आर्ट्स पे क्लिक करोगे ये पेमेंट इसमें चला जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वापस नहीं आएगा। यही मैं बोल रहा हूं कि वापस नहीं आएगा। अब मैं आपको एक चीज और सिखा रहा हूं, अपग्रेड मेथड क्या होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपग्रेड जो है वो क्या है, ये मतलब होता है कि सपोज यहां पे ये वाला जो प्रेफरेंस है इसके, ये प्रेफरेंस है आपका 9वां नंबर, ठीक है, इसके ऊपर आपका 8वां नंबर होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, और आपको लग रहा है हे प्रभु मुझे 7वां मिल जाता तो बड़ा अच्छा था। तो ऐसे में ये मत सोचना कि 7वां मिलेगा तब पेमेंट करोगे। आपके कोर्स अलोकेशन में जो भी कोर्स में जो सब्जेक्ट्स आए हैं पेमेंट करके खाली हो जाना। यदि आपका ये माइंडसेट पहले से एकदम फिक्स है कि मुझे बीएचयू में पढ़ना ही है, तब की बात कर रहा हूं, अदरवाइज नो कंप्रोमाइज। लेकिन यदि बीएचयू में पढ़ना है तो कंप्रोमाइज कर लेना, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स 9वें से 8वां, 8वें से 7वां डे बाई डे अपग्रेड होते रहते हैं, कम से कम 10 से 12 दिन का पूरा खेल चलता है।
सो प्लीज। और हाँ, मैं अपने टाइम का कहानी सुनाता हूं। जब मैं काउंसलिंग के दरमियान अपने आप को ले आया था, जब मैं बीएचयू में काउंसलिंग करा रहा था अपना, वो बड़े ही मेमोरेबल दिन है। मुझे मुस्कुराहट आ रही है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, मेरा बीएचयू में हो गया। तो दोस्तों, मेरे को 3 या 4 डेज लगे थे इंतजार करने में, और इतना ज्यादा दर्द हो रहा था। मैं बहुत सारे लोगों को, मैंने अब टाइम्स कॉलिंग टू सीनियर्स, मुझे यूट्यूब, मेरे पास मोबाइल नहीं था एक्चुअली उसमें, तो मेरे को मोबाइल पहली बार 18 में मिली है। आप लोग मेरे से पहले मोबाइल चलाते होगे, सोच लो। अब मेरे पास मोबाइल मिलते ही मैं यूट्यूब पे कितना काम कर लिया। बहरहाल, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं ना यार, कि वक्त लगता है। 3 डेज 4 डेज, इस बार तो 48 घंटे का पीरियड है, तो वो उस अल्टरनेट टाइम्स के इंटरवल पे आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज, आप बस बीएचयू पाठशाला देखते रहना यार। अगर आपको टेंशन हो रहा है ना, कुछ मत करो। टेंशन को दूर करने का एक नाम है, वो है बीएचयू पाठशाला। जस्ट इतना बस याद रख लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियोस देखना। ऑलवेज आई विल बी देयर फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स, और 100% अच्छे से स्माइल हमेशा दूंगा और आपको भेजूंगा आपके घर तक। तो ये मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है कि फाइनली आपका एडमिशन होने जा रहा है, और आपके डर को भी महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या बोला, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अच्छा होगा, ये बात की गारंटी है। आपका यहां नहीं होगा तो कहीं और होगा, लेकिन एडमिशन तो श्योर होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। अच्छा, आगे भी कोई स्लाइड है? अच्छा हाँ, क्या सभी का एक साथ कोर्स अलोकेशन आएगा? ये क्वेश्चन बच्चे बार बार पूछेंगे। दोस्तों देखो, सभी का एक साथ कोर्स अलोकेशन मे बी नॉट, क्योंकि कुछ कोर्सेज है, जैसे कि अभी स्पोर्ट्स कोटा, तो स्पोर्ट्स कोटा की तो काउंसलिंग अभी हुई नहीं है, अभी उनका प्रैक्टिकल होगा। उसी तरीके से बीएफए, बीपीए, ऐसे बहुत सारे बीएचयू में कोर्सेज हैं जिनके अभी प्रोसीजर बाकी हैं, तो उनका अभी नहीं आएगा। उसके बाद अब आता है कि क्या सर बीए, बीएलएलबी, बीकॉम, इन सबका एक साथ आएगा, मतलब यूजी कोर्सेज का? तो भाई ये भी जरूरी नहीं है। जैसे जैसे डेटा रेडी होगा, वैसे वैसे कोर्स वाइज कोर्स अलोकेशन वो लोग शो करेंगे। सॉरी। सो प्लीज आप लोग अवेयर रहना, बीएचयू पाठशाला के वीडियोस देखते रहना। और तो ये प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट मैंने कर दिया, और कमिंग वीडियोस में मैं चीजों को इंक्लूड करूंगा, ठीक है? सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। अब लास्ट है, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं 100K में आप अपना योगदान जरूर दें, अपने स्टेटस पे जरूर लगाएं, और नेक्स्ट सेशन की तैयारी बीएचयू पाठशाला पे आप लोग करें, जुड़े बहुत ही किफायती रेट में, यानी बहुत कम पैसे में, जितने में मेरा आराम से स्टूडियो का खर्चा निकल जाए, उतने पैसे में मैं आपको पूरे साल पढ़ाने को तैयार हूं। सो बीएचयू पाठशाला की टीम के साथ जुड़े, बीएचयू पाठशाला के मेंटर्स आपको पढ़ाएंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे। सो होपफुली आपको बहुत मजा आने वाला है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। हरे महादेव।